सोनीपत के छोटे से गांव तेवड़ी के होनहार प्रदीप सिंह ने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की 2019 की परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। देश भर में पहला रैंक हासिल कर प्रदीप ने सोनीपत और हरियाणा का देश भर में नाम रोशन किया है। प्रदीप सोनीपत के गांव तेवड़ी के पूर्व सरपंच सुखबीर सिंह का बेटा है और फिलहाल में फरीदाबाद में आईआरएस के पद पर कार्यरत है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए वहां से छुट्टी ले रखी थी। मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019 का परिणाम घोषित किया। सूची में टॉप पर प्रदीप सिंह का नाम सामने आया। प्रदीप सिंह ने बताया कि वह विशेष रूप से गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर कार्य करना चाहते हैं, ताकि वह भी आगे बढ़ सके और बच्चे शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। आइए बात करते हैं यूपीएससी टॉपर प्रदीप सिंह से। ये उपलब्धि हासिल हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, काफ़ी टाइम से मैं इसके लिए मेहनत कर रहा था और काफ़ी टाइम से मैं इसके लिए प्रयास कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुखद सा अनुभव रहा है इस चीज़ में मेरा, तो काफ़ी खुशी है। क्या करना चाहते हैं विशेष रूप से, बच्चे पढ़ाई में आगे निकले? जी मेरा जो मेन एक सपना है वो है कि जो गरीब परिवार या गरीब पिछले वर्ग से जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिले। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है, वो जो लाभ उनके लिए है उन तक लाभ पहुँचे और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज के विकास में योगदान दें। विशेष रूप से इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जी देखिए, विशेष रूप से इस उपलब्धि में मेरे परिवार और मेरे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सभी का सपोर्ट रहा है और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है, सपोर्ट करा है, तो मैं उनको इस चीज़ के लिए क्रेडिट देना चाहता हूँ। प्रदीप सिंह का परिवार सोनीपत के गन्नौर उपमंडल के छोटे से गांव तेवड़ी का मूल निवासी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पिता वर्ष 2000 में गांव से सोनीपत में आकर रहने लगे थे। फिलहाल वे ओमेक सिटी में रह रहे हैं। प्रदीप के पिता दादा सरपंच रह चुके हैं। उनके पिता सुखबीर सिंह की पुलिस में नौकरी लगी थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। प्रदीप के पिता सुखबीर सिंह ने बताया कि उनके तीनों बच्चे शुरू से ही पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही थी, वह शुरू से ही होनहार रहा है। प्रदीप सिंह की इस उपलब्धि पर उनका पूरा परिवार खुश है। आइए बात करते हैं प्रदीप सिंह की माता शीला देवी से। बताओ क्या कहना चाहते हो अपने बेटे के बारे में, इतने को दिव्य उपलब्धि हासिल की? गर्व महसूस करते हैं? हाँ जी, बचपन से ही बहुत अच्छा होता है। दोस्तों आपको साथ ही साथ हम बताते चले कि दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल के छात्र प्रदीप मलिक ने यूपीएससी में प्रथम स्थान हासिल करके विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत ने प्रदीप मलिक को शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। हरियाणा के खाप पंचायतों में खुशी की लहर दौड़ गई। आईएएस परीक्षाओं के परिणामों के इतिहास में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में हरियाणवी प्रथम स्थान पर आया है। अखिल भारतीय गढ़वाल खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा बलजीत सिंह मलिक ने प्रदीप सिंह को शुभकामनाएं देते हुए समाज को बधाई दी है। मलिक खाप के प्रवक्ता जसवीर सिंह ने बताया कि प्रदीप सिंह का देश भर में प्रथम आने पर गठवाला खाप की अगुवाई में सभी सर्व खाप पंचायतों और जाट सभाओं की ओर से गौरव बढ़ाने का भव्य स्वागत अभिनंदन कर सम्मानित किया जाएगा। सोनीपत के गांव तेवड़ी के प्रदीप सिंह के ताऊ जी व जाट विकास परिषद के प्रधान सतबीर सिंह मलिक ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदीप ने तैयारी की जिसमें परिवार की ओर से पूरा सहयोग दिया गया। उसके पिता सुखबीर सिंह मलिक गांव के कई बार सरपंच रहे हैं, जिन्होंने सोनीपत के ओमेक सिटी में उनके पढ़ने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के पूर्व निदेशक धर्मपाल सिंह मलिक, प्रवक्ता जसवीर सिंह मलिक, पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह मलिक ने बधाई दी है। दोस्तों 2019 के यूपीएससी रिजल्ट के टॉपर रहे प्रदीप सिंह मलिक की उपलब्धि पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।